जनपद मथुरा में कल होने वाली मतगणना को लेकर मथुरा जिला अधिकारी डॉक्टर नवनीत सिंह चहल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मंडी स्थल का मौका मुआयना किया। वहीं जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि कल सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की मतगणना की जाएगी। 8:30 बजे ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल ईवीएम की मतगणना के लिए लगाए गए हैं। 14 टेबल का एक राउंड रहेगा। जैसे जैसे राउंड कंप्लीट होते जाएंगे वह सूचना साझा की जाएगी। सभी प्रत्याशियों के मतगणना एजेंट बना दिए गए हैं। सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे और उनके साथ कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में मतगणना अधिकारियों द्वारा पारदर्शी तरीके से मतगणना पूरी की जाएगी। सभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स भी उपलब्ध है। पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सभी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है और उनकी ब्रीफिंग भी कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की जो भी दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया, जिस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया 10 फरवरी को निष्पक्ष रूप से कराई गई थी, उसी प्रकार से मतगणना की प्रक्रिया को भी निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि विजयी प्रत्याशी द्वारा नहीं निकाला जाएगा। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के उपलक्ष में कल 10 मार्च को जनपद मथुरा की सभी 5 विधानसभा सीट्स की मतगणना की प्रक्रिया यहां मंडी परिसर थाना हाईवे क्षेत्र में संपन्न होनी है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज हमारे और DM साहब द्वारा सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की यहां पर ब्रीफिंग की गई है। सिविल पुलिस के साथ साथ PAC सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर डिप्लॉयड रहेंगी। जो हमारे सभी जनरल ऑब्जर्वर्स हैं उनके पर्यवेक्षण में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। इस पूरे एरिया को CCTV कैमरा से कवर किया गया है। यहां पर जैसे कि 10 फरवरी को वोटिंग की प्रक्रिया पूरे जनपद में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई थी, मुझे पूरी आशा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, सभी प्रत्याशी, उनके समर्थक व पोलिंग एजेंट्स इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए सहयोग करेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी विशेष हिदायत है जो किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, अराजकता या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना की सोचेंगे, उसके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है। जहाँ पर भी 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक उद्देश्य के साथ यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो उनके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पूरे जनपद को भी अलर्ट पर रखा गया है। विगत कुछ दिनों की गतिविधियों या घटनाओं को देखते हुए ऐसे व्यक्ति जो माहौल बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किसी प्रकार का भी कोई प्रयास करेंगे तो उनकी गतिविधियों पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नज़र रखी जा रही है। इस बार बहुत कठोर कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों पर की जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। हाँ जी, देखिए विजय जुलूस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके निर्देशों के अनुसार किसी भी विजय जुलूस की कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। ये पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसकी जानकारी सभी प्रत्याशियों और पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई है। इसको कतई अलाउ नहीं किया। सर, कुछ जिलों में जानकारी आ रही है कि गोली मारने के बदले को सीधे सीधे कुछ आदेश है, क्या मथुरा में ऐसा कुछ? देखिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नियम का पालन कराने के लिए, धारा 144 को लागू करवाने के लिए सभी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल 5 विधानसभा की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ जनपद मथुरा में मंडी स्थल पर आयोजित की जाएगी। यहाँ पर कल सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और 8:30 बजे के बाद EVMs की काउंटिंग शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14 टेबल्स जो EVM काउंटिंग के हैं वो लगाए गए हैं, तो 14 टेबल्स का एक राउंड रहेगा और जैसे जैसे राउंड्स कंप्लीट होते जाएंगे वो सूचना जो है वो साझा की जाएगी और जो हमारे प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट्स बना दिए गए हैं, वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मतगणना जो है जनपद के द्वारा सभी जो हमारे कार्मिक हैं जो रैंडमाइज हैं
उनके द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कल कराई जाएगी। सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। हमारे पास सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी उपलब्ध है और पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था है। सभी मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती हो गई है और उनकी ब्रीफिंग भी कर दी गई है। तो जो भी भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप जो काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रकार से मतदान की 10 फरवरी को प्रक्रिया बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से कराई गई थी, उसी प्रकार से हम कल कराएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। एक आई कार्ड को लेके एक कैंडिडेट ने वहाँ पर उठाया था, जिसका रिजोल्यूशन वहीं पर ही हो गया था, तो कोई इसी किस प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सर, कल जुलूस को लेकर क्या रहेगा, जुलूस जिस तरह से निकल रहा है? विजय जुलूस जो है वो प्रतिबंधित है और इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, जानकारियां हैं, वो सभी कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज को, साथ ही साथ जो हमारे मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारीगण हैं, उन सभी को दे दी।